एवियन एम्बरोलॉजी द जनरल कंसेप्टस्ट दिक एम्बरियो टाइप, फर्टिलाइजेशन इन एवियंस एंड डिवेलपमेंट स्टेज इन द ए तो फर्स्ट था चिक एम्बरियो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें डिवेलपमेंट इन द ए एवियंस मीन बर्ड्स के बर्ड्स के अंदर जब डिवेल्पमेंट करते हैं तो डिवेल्प बर्ड्स की डिवेल्पमेंट और रेप्टाइल की डिवेलपमेंट सेम है बिकॉज दे आर सेम टाइप ऑफ़ दी एग उनका एग का स्ट्रक्चर सेम है टाइप ऑफ एग जो है दोनों के अंदर सेम है तो रेप्टाइल्स या बर्ड्स की डेवलपमेंट को जब भी स्टडी करना हो तो द बेस्ट सोल्यूशन वी हैव द चिक एम्ब्रियो तो बर्ड्स के अंदर डेवलपमेंट के लिए जो मॉडल हम यूज़ करते हैं वो चिक एम्ब्रयू है क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि चिक एम्बरीू को जो है वो उसकी स्टेज को स्टडी करना इसकी हैचिंग का प्रोसेस जो है उसको बड़े आराम से हम जो वो चिक अवेलेबल भी है डोमेस्टिकेटेड है और इसकी वजह से इसको जो है वो इसकी डिफरेंट स्टेज को स्टडी करना आसान है तो चिक एम्बरियो इज स्टडीड एज अ मॉडल फॉर द डेवलपमेंट इन द एवियंस एवियंस एंड द रेप्टाइल्स अगर हम बात करें अबाउट द टाइप ऑफ एग इन द बर्ड्स बर्ड्स जितने भी हैं उसमें जो है ऑल द बर्ड लार्ज अमाउंट और ह्यूज अमाउंट ऑफ योक इन दर एग एग के अंदर अच्छी खासी अमाउंट में योक मौजूद होता है जिसकी वजह से सच एग्ज़ आर कॉल द मैक्रोलेथल यानी लार्ज अमाउंट ऑफ जोक वाले एग्ज को मैक्रोलेथल एग्स कहेंगे इस तरह से जब सेल डिवीजन प्रोसीड होगी तो आम तौर पर जो लार्ज अमाउंट ऑफ जोक की वजह से जो योग होता है वो ज़्यादातर सेल को कवर कर लेता है और जो साइटोप्लाज्मा वो बिल्कुल एक तरफ रहता है तो ऐसे एग्स को हम फिर क्या नाम देते हैं टीलो लेसीथल एग भी कहते हैं तो बर्ड्स का एग जो है वो मैक्रोलेथल तो है ही है लेकिन इसके साथ साथ योक जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है बल्कि योग एक तरफ है और साइटोप्लाज्म दूसरी तरफ है तो इस वजह से हम इस एग को टीलोलेथल एग भी कहेंगे और एग एग का स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो योग जो है आंध प्रयोग के ऊपर जो है वो एल्ब्यूमिन मौजूद होता है और एल्ब्यूमिन के बाहर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का शेल मौजूद होता है तो बर्ड्स के जो एग्स हैं दे आर एक्चुअली प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट शेल अगर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बर्ड्स के ऊपर मौजूद है एग्स के ऊपर मौजूद है फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है फर्टिलाइजेशन कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनने से पहले हो जाती है जैसे ही एग ओवरी से रिलीज होता है तो सबसे पहले वो ओविडक्ट में आएगा जैसे ही ओविडक्ट में सेल आएगा या एग आएगा तो स्पर्म उसकी फर्टिलाइजेशन कर देगा यहाँ आपने एक चीज़ याद रखनी है जो बर्ड की जब हम एग बात करें तो एग से मुराद उसका योक है एक्चुअल एग जो है वो योक होता है अब फर्टिलाइजेशन होगी ओविडक्ट के ऊपर वाले हिस्से में जैसे ही वो योग या ओरिजिनल एग मूव करके नीचे आएगा ओविडक्ट में तो ओविडक्ट में से गुजरते हुए उसके ऊपर एल्ब्यूम की लेयर्स चढ़ना शुरू कर देती हैं और जब ओविडक्ट के बिल्कुल नीचे आता है तो फिर वहाँ शेल ग्लैंड मौजूद होता है शेल ग्लैंड उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बना देता है इसका मतलब ये हुआ कि एग की फर्टिलाइजेशन तब हो चुकी है जब ना ही तो उसके ऊपर एल्ब्यूमिन मौजूद थी ना ही उसके ऊपर एग शेल जो है वो मौजूद होता है ऑल द बर्ड्स दे आर ओवीपेरस ओवीपेरस का मतलब है कि इन तमाम की जो डिवेलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल होती है सो दे आर ओ वी पेरस मीन दे ले एग एग ले करेंगे और जो डिवेलपमेंट का प्रोसेस है वो सारा सारा बॉडी से बाहर होगा आल दो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है बर्ड्स में लेकिन जो डिवेलपमेंट है दैट इज़ एक्सटर्नल आमतौर पर जो एग्स होते हैं उनको मदर जो बर्ड्स जो होते हैं वो हैच करते हैं उसको हीट प्रोवाइड करते हैं व्हाट आर द डेवलपमेंटल स्टेजेस बर्ड्स के डेवलपमेंटल स्टेजेस के अगर हम देखें तो तमाम एनिमल्स की तरह इनमें भी सेम वही डिवेलपमेंटल स्टेजेस हैं यानी सबसे पहले जाइगोट जाइगोट के बाद क्लीवेज आएगी क्लीवेज में सेल डिवाइड करें, तो करेंगे जाइगोट या सेल्स जो होंगे वो डिवाइड करेंगे बॉल ऑफ सेल्स बनेगा जिसको हम मोरूला कहेंगे फिर वो मोरूला जो है वगैरह फर्दर उसके अंदर कैविटी बन जाएगी दैट इज़ कॉल्ड द बलास्टूला ब्लास्टूला स्टेज आ जाएगी कैिटी को ब्लास्टोसील कहेंगे ब्लास्टूला के बाद एक्टीमेटली गैस्ट्रोला स्टेज आएगी जिसमें गैस्ट्रोला gastrula बनेगा गैस्ट्रोलेशन के थ्रू गैस्ट्रोला के बाद न्यूरोशन का प्रोसेस होता है जिसमें न्यूरल ट्यूब बनती है और उसके बाद बाकी बाकी जो ऑर्गन जो है बनना शुरू हो जाते हैं बर्ड्स के अंदर जो है वो आमतौर तो पर योग इतनी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है कि इनको किसी लार्वल स्टेज की ज़रूरत नहीं होती है इसलिए बर्ड्स के अंदर कम्बी कम्प्लीट डिवेलपमेंट जो एग के अंदर ही होगी और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद जो एग शेल है उसमें से यंग वन जो है वो इट विल हैच आउट हैच आउट करेगा और उसके बाद उसकी जो है वो जो है वो मदर उसकी केयर करेगी या मोस्ट ऑफ केस में जो वर्ड्स जो होते हैं दे डू एक्सटेंसिव केयर ऑफ देयर यंग वंस